अवार्ड में काफ़ी सारे नए प्लेयर भी है उसके साथ में, जैसे कि महाराष्ट्र इंडिया का जो कैप्टन रह चुके हैं कृष्णा सातपुते है, उसके बाद में अंकुर सिंह है, बंटी पटेल फ्रॉम गुजरात है, जगत सरकार जो आज के फेम बॉय है टेनिस क्रिकेट के कलकत्ता से है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसके बाद बहुत सारे सरोज प्रामाणिक है, दिल्ली के करण अंबाला जो एक नया उभरता सितारा है, अपने पुणे सॉरी मुंबई के जो अभी हालांकि पिछले सीजन से जो बहुत ही ट्रेंडिंग है इंस्टा पे, वो फरदीन काजी जैसा बैट्समैन इस अवार्ड शो में आपको नॉमिनेशन उनको है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं अभी टेनिस क्रिकेट के बारे में, मुझे नहीं पता कि आपको कितना ये, पर टेनिस क्रिकेट बेसिक लेवल पे बहुत खेला जाता है और वो जो लोग उनको फॉलो करते हैं आज उनके मिलियनियंस, मतलब एक एक प्लेयर के 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। तो वो जब प्लेयर इस अवार्ड शो में आएंगे और उनका जब नॉमिनेशन रहेगा तो उनके बारे में और चर्चा होती रहेगी और उनको और अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता जाएगा। एन बी स्पोर्ट्स फाउंडेशन आपण हे म्हणजे प्लेयर असतात म्हणजे क्रिकेट नाही असं माझ्या, मी फाउंडेशनच्या अंतर्गत कुस्ती असेल कबड्डी असेल या सर्व प्लेयरसाठी एक प्लेयरमध्ये सिद्धता खूप चांगली खेळू शकतो तो, पण काही गोष्टी अडचणीच्या आहेत की ज्याच्यामुळे त्याला पुढे जाता येत नाही, त्यासाठी आपण या फाउंडेशनच्या अंतर्गत त्यांना मदत करतो। और बेसिकली एन बी फाउंडेशन जो है निलेश बिंताडे स्पोर्ट फाउंडेशन, इनका मोटिव ये है कि जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनको तो कहीं ना कहीं से जो एक रास्ता मिल जाता है, पर एक बहुत सारा एक वर्ग ऐसा है कि जिनको फाइनेंशियल वजह से वो एक मेन प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते। तो आपके ज़रिए मैं सभी वैसे जो भी प्लेयर्स हैं उनको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी ऐसा कोई प्लेयर रहेगा कि जिसके पास टैलेंट है पर उसको बाकी कुछ वजह से वो मेन इसमें वो मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो कभी भी और कहीं पे भी निलेश बिंताडे स्पोर्ट फाउंडेशन के साथ जुड़ सकता है और उनसे कांटेक्ट कर सकता है, आगे उनको जो भी हेल्प चाहिए वो हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको वो मिले। आता तुम्ही आता म्हणाला की नवीन प्लेयर्स किंवा जे माहिती नसेल ते प्लेयर्स घेण्यासाठी, तर तुम्ही कुठल्या रीतीने प्रमोट करणार त्याच्यासाठीच हा जो अवॉर्ड शो आहे किंवा इंडिया कप आता हा एक आमच्यासाठी एक मोठा प्लॅटफॉर्म आहे जो स्टेट लेवलला रिप्रेझेंट होईल। आत्तापर्यंत ठराविक पोर्शन एकत्रित येत होता टेनिस क्रिकेटसाठी, पण स्टेट वाईज टुर्नामेंट होत असल्यामुळे जवळजवळ 7 ते 8 स्टेटमधून सगळे जे प्लेयर्स आहेत किंवा ते तिथून जे बघणारे जे लोक आहेत ते या स्पर्धेला जोडले जातील। तसेच अवॉर्ड शोच्या माध्यमातून सुद्धा इंडियन टेनिस जो अवॉर्ड शो आहे आता त्याच्या माध्यमातून पण भरपूर सगळे इंडियातून लोक जोडले जातील आणि हाच या माध्यमातून आम्ही आमचा हा जो मेसेज आहे त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचू। थोड़ा सा बताइए उसके बारे में कि क्या कुछ होने वाला है, कौन से ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जिसको आप फेलिसिटेट करने वाले हैं। ये अवार्ड स्पेशली टेनिस क्रिकेट के जो भी प्लेयर्स है उनके लिए होने वाला है और ये अवार्ड 23 मई को शाम को 6 बजे पुणे में होने वाला है। कितनी कैटेगरीज होंगी, कैसे आप लोग चुनाव करने वाले हैं? इसमें ऑलमोस्ट 18 to 20 कैटेगरीज है जिसमें मेन इमर्जिंग कैटेगरीज है जो 23 एज के अंडर नीचे के जो प्लेयर है उनके लिए एक अलग से कैटेगरी रहेगी जिसमें बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर और एक बेस्ट ऑलराउंडर ऑल इंडिया से चुना जाएगा, जिसके लिए हर कैटेगरीज में 5 नॉमिनेशंस हम सिलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्ट करने के लिए जैसे कि इसके साथ में और भी कैटेगरीज है जैसे ओपन क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन राइट हैंडेड बेस्ट बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड बेस्ट बैट्समैन वैसे ही राइट हैंडेड बेस्ट बॉलर लेफ्ट हैंडेड बेस्ट बॉलर ऑलराउंडर में भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों ये किया जाएगा। फिर बेस्ट विकेट कीपर है बेस्ट कैप्टन है बेस्ट टीम है बेस्ट अपकमिंग टीम है बेस्ट मैनेजर है बेस्ट जो भी अभी जो स्पॉन्सर्स रहते हैं तो टेनिस क्रिकेट जो है पैकर जिनको पैकर बोला जाता है तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है तो जो भी बेस्ट पैकर है उनके लिए भी है। और इसके साथ में हम जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या टेनिस क्रिकेट के लिए जिनका पिछले 10 साल से 15 साल से बहुत बड़ा योगदान है उनको भी सम्मानित करना चाहते हैं इस टेनिस क्रिकेट अवार्ड के जरिए। सर जैसे आपने कहा कि 24 कैमरा लगने वाला है तो कैसे आप लोग रेक्टिफाई करेंगे कि कौन कौन प्लेयर्स हैं और कैसे ये होने वाला है, अगर प्रोसेस के बारे में अगर कुछ बात करें? ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात करें तो हम लोग लास्ट 8 साल से कर रहे हैं तो हमारा यही प्रयास था कि इंटरनेशनल लेवल की ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए और क्योंकि IPL का मौसम चल रहा है उसके
आईपीएल के एक दिन पहले हमारा फाइनल इंडिया कप का, तो मुझे लगता है कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि यार फाइनल कौन सा देख रहा हूँ। तो इतने स्टैंडर्ड लेवल के हम लोग हाई डेफिनेशन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, 24 कैमराज है, थर्ड अम्पायर्स है, और जब भी कोई मतलब कोई भी मैच देखना चाहे तो आईपीएल के स्टैंडर्ड का हो, और आप जब आओगे तो आपको श्योर आप भी शायद कंफ्यूज होंगे कि मैच लेदर चल रहा है टेनिस बॉल चल रहा है। संतोष त्यांचा प्रश्न होता कि ब्रॉडकास्टिंग थ्रू अवार्ड्स तक आए हैं, कैसे आप लोग ये अवार्ड्स बेसिकली अवार्ड्स दो जो इंडिया में टॉप दो चैनल्स है टेनिस के डॉट इन और 70/70 ये दो चैनल पे यूट्यूब पे अवार्ड्स लाइव होने वाले हैं, और कैटेगरी सचिन सर ने आपको सब कैटेगरीज के बारे में बताया, और पोलिंग शायद 5 तारीख से 15 तारीख तक 10 दिन के पोलिंग है, तो 10 दिन भी आपको टेनिस क्रिकेट डॉट इन का इंस्टा पेज है और जितने भी इंस्टा फेसबुक और यूट्यूब और वैसे 70/70 के इंस्टा फेसबुक यूट्यूब पे आपको वोटिंग करने का मौका मिलेगा। जैसे आज जमैमा आई थी, इसके अलावा कौन से क्रिकेटर्स हैं जो जुड़ने वाले हैं जिससे कि जो क्रिकेटर्स वहाँ पर खेलने आएंगे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, अवार्ड तो मिलेगा ही, साथ ही कौन से क्रिकेटर के हाथों से उनको अवार्ड दिया जाएगा और कौन से क्रिकेटर वहाँ पर उनको मोटिवेट करने के लिए आने वाले हैं? ड्यू टू IPL बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, रविंद्र जडेजा सर और बहुत सारे ऐसे पृथ्वी शॉ और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो शायद बिजी है, हम लोग अपनी कोशिश जारी है कि शायद कोई ना कोई हमारे ये फंक्शन में आ जाए, बट आई एम नॉट श्योर प्रिटी श्योर बिकॉज IPL इज गोइंग ऑन। आप क्या कहना चाहोगे, कैसे इसकी प्लानिंग हुई? अपन हे अवार्ड्स म्हणजे टेनिस खेळणारे प्लेयर्स असतील आणि त्याच्यासाठी देणारे योगदान यांचा कुठेतरी एक सन्मान झाला पाहिजे, आणि त्यासाठी आपण टेनिस क्रिकेट अवॉर्ड्स घेऊन आलेलो आहे। अवॉर्डबद्दल बोलतोय आपण की इंडिया, ॲक्च्युली जसं की लेदर क्रिकेटमध्ये खूप फेम आहे कारण हे सगळे क्रिकेटर सगळ्या लोकांना माहीत असतात, पण टेनिस क्रिकेटला अजून तेवढं फेम मिळालेलं नाही आहे, त्याच्यासाठी आपण जे मगाशी बघितली इंडिया कप आहे त्याच्यात नेक्स्ट लेवल आपण हा अवॉर्ड शो आणतो आहे, जेणेकरून जे इंडियाच्या चारही कोपऱ्यात जे टेनिस क्रिकेट खेळलं जात आहे आणि हे जे प्लेयर्स आहेत जे ग्राउंड लेवलला खेळतात पण त्यांना फेम भेटत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी त्यांचं इकॉनॉमिकल जे स्टँडर्ड आहे तेही थोडंसं डाऊन आहे, तर या अवॉर्डच्या माध्यमातून पूर्ण देशातील खेळाडू नॉमिनेट होतील, सो सगळ्यांना माहिती पडेल की टेनिस क्रिकेटमध्ये पण असे खेळाडू आहेत जे चांगल्या लेवलला खेळतात आणि जे देशातून 5 निवडले जातील, तसे तसं फेम पण वाढेल आणि फेम वाढल्यानंतर टेनिस क्रिकेटमधूनही त्यांना थोडासा इन्कम सोर्स आहे, अदर अपॉर्च्युनिटी पण त्यांना जसं की नॅशनल ते मोठे क्रिकेटर्स असतात लेदर क्रिकेटर त्यांना ॲडव्हर्टाईजमेंट आहेत किंवा अदर अपॉर्च्युनिटी आहेत, तशा मे बी त्यांच्यासाठी पण या गोष्टी हळूहळू चालू होतील, त्याच्यासाठी त्यांना कुठेतरी फेम देणं गरजेचं होतं आणि पूर्ण भारतभर म्हणजे पश्चिम बंगालमधले सगळेच खेळाडू महाराष्ट्रात माहिती असेल असं नाही, कारण ओपन क्रिकेट खेळण्यासाठी जेवढे खेळाडू येतात तेवढेच माहिती असतात, सो या अवॉर्ड शोच्या निमित्तानं हे खेळाडू पूर्ण भारतभर सगळ्यांना माहिती होतील की या कॅटेगरीमध्ये हा खेळाडू सर्वोत्तम आहे। सर वुमन क्रिकेटर्स के लिए आपकी तरफ से क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि ये तो मेंस के लिए, क्या वुमेन्स के लिए भी जैसे जमैमा ने कहा कि वो अकेली क्रिकेटर थी जो क्लब में वो खेलती थी, तो क्या आप लोगों ने वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी कोई ऐसा इनिशिएटिव सोचा है, अगर उस बारे में कुछ? श्योर एक्चुअली वुमेन्स में टेनिस बॉल में ज़्यादा मैक्सिमम टीम्स अवेलेबल नहीं है, 2 या 3 शायद अच्छे टीम्स है, तो हालांकि हमारी खोज चालू है, जैसे हमारे 8 टीम्स कम्प्लीट हो जाएंगी तो NBA फाउंडेशन और हम लोग मिलके एक अच्छे वुमेंस के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे।